भिंड की एक महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है। उसने अपने प्रधान आरक्षक ससुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की है। भिंड निवासी महिला चांदनी ने भोपाल में मीडिया के सामने इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उसकी शादी 2009 में जावेद खान के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। महिला के ससुर इरशाद खान प्रधान आरक्षक हैं। वो अपना पुलिसिया रौब दिखाकर उसका घर नहीं बसने दे रहे हैं। ससुर के कहने पर सास उसके साथ मारपीट करती है। मारपीट के चलते उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर को बच्चेदानी तक निकालनी पड़ी। कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक सास ससुर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़ित महिला चांदनी ने बताया कि उसकी दो बेटियां हैं, जिन्हें लेकर अब वह न्याय के लिए दर दर भटक रही है। शादी के 3-4 साल बाद मेरी बच्चियां हुई। शादी के बाद मेरी बच्चियां हुई। बच्चियों के बाद मैं फिर पीडीएस से हुई। मेरी दो बेटियां हैं प्रेजेंट में अभी। तो फिर मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसको मेरे ससुर बोले कि लड़कियां पैदा करती रहती है। तो मेरी सास ससुर ने कहा मेरी सास से कि इसके पेट में लाल लगे, ये लड़की पैदा करती रहती है। मेरे पति जावेद खान ने मुझे पकड़ा और मेरी सास ने मेरे पेट में लाल मारी। इससे मेरी बच्चेदानी बढ़ गई, बच्चा भी खत्म हो गया मेरा। मुझे आन फान में अस्पताल लुवा ले गए और मेरा ऑपरेशन जल्दी जल्दी ऑपरेशन डॉक्टरों ने कर दिया। इसके वहाँ आराम नहीं मिला, मुझे ग्वालियर भी भर्ती किया गया, रेफर किया गया। वहाँ से भी आराम नहीं मिला, फिर मैं दिल्ली गई। दिल्ली में मेरी जान बची, ऊपर वाले ने किसके वजह से मैं बच गई मुझे मालूम नहीं है। कि क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि इन तीनों के खिलाफ FIR हो और मेरे ससुर को सस्पेंड किया जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।